द वैक्सीन वॉर के बाद फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने नई फिल्म अनाउंस की है। अब वो महाभारत पर 3 पार्ट में फिल्म बनाने जा रहे हैं। उनकी ये फिल्म SL भायरप्पा के कन्नड़ा नॉवल पर्व अ टेल ऑफ वॉर पीस लव डेथ गॉड एंड मैन पर आधारित होगी। ये महाभारत पर आधारित थी। इस नॉवल को मॉडर्न डे क्लासिक माना जाता है। नॉवल की ही तरह विवेक की फिल्म का नाम भी पर्व होगा। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म पर्व को सोशल मीडिया पर अनाउंस करते हुए लिखा, बड़ी अनाउंसमेंट, महाभारत इतिहास या पौराणिक कथा। हम IIM बुद्धा प्रोडक्शन के लोग भगवान के बहुत आभारी हैं कि हम पद्म भूषण डॉक्टर SL भैरप्पा की मॉडर्न क्लासिक को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। पर्व एन एपिक टेल ऑफ धर्म, कोई वजह है जिसके लिए पर्व को मास्टरपीसों का मास्टरपीस कहा जाता है। इसके बाद विवेक ने एक और ट्वीट किया, इसमें उन्होंने पर्व का मतलब समझाया। इस वीडियो में वो बताते हैं, सभी कहानियां महाभारत से निकली बताई जाती हैं। क्या ये महज एक पौराणिक कथा है या भारत की चेतना? सवाल ये है कि ये इतिहास है या माइथोलॉजी? 17 साल की रिसर्च के बाद पद्म भूषण विजेता SL भैरप्पा ने ये मॉडर्न क्लासिक लिखी। उनकी इस किताब को अंग्रेजी, रशियन, चाइनीज और संस्कृत समेत कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। ये सभी भाषाओं में बेस्ट सेलिंग नॉवल बनी। हमें बहुत गर्व और खुशी है कि उन्होंने इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी हमें दी है। पर्व एन एपिक टेल ऑफ धर्म 3 भागों में आएगी। फिल्म के प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है। यानी कल्की की पोनियन सेल्वन के बाद एक और किताब पर फिल्म बनने जा रही है और इसे भी फ्रेंचाइज के तौर पर ही डेवलप किया जा रहा है। जिस तरह से इस फिल्म को अनाउंस किया गया है उससे साफ है कि विवेक अग्निहोत्री इस कहानी के कौन से पहलू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। महाभारत भारत का इतिहास है या सिर्फ माइथोलॉजी? पर्व को विवेक अग्निहोत्री एक्टर और पत्नी पल्लवी जोशी के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस नॉवल को स्क्रीन प्ले के तौर पर विकसित करने में विवेक अग्निहोत्री के साथ एक्टर और फिल्म मेकर प्रकाश बेलवाड़ी काम कर रहे हैं। प्रकाश कई चर्चित हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा वो 2003 में आई स्टम्बल नाम की नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म लिख और डायरेक्ट कर चुके हैं। 2001 में उन्होंने गर्व नाम का एक टीवी शो बनाया था जिसे कनाडा टीवी के ऑल टाइम क्लासिक शोज में गिना जाता है। मगर पर्व से उन्हें जोड़े जाने की मुख्य वजह ये है कि 2020-21 में उन्होंने इस नॉवल पर आधारित एक नाटक डायरेक्ट किया था। इसके अलावा वो बतौर एक्टर विवेक अग्निहोत्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स का भी हिस्सा थे। विवेक के मुताबिक पर्व के प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है, मगर ये फिल्म कब तक रिलीज होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए लर्निंग टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।